कि जिन डिस्ट्रिक्टों के लिए ये बने हुए हैं उनको पहले अलाट किया जाए, डिस्ट्रिक्ट अगर श्रीनगर के वहाँ रखे हुए हैं बड़गाम के, इन दो को पहले दिए जाए। ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है, हमारी गवर्नर साहब से अपील है, हमारी प्राइम मिनिस्टर से अपील है, अगर कोई भी ये कहेगा उनसे भी अपील है कि ये ऐसा किया जाए, जनरल लोगों को दिए जाए, बाकी किसी अरे गहरे को ऐसी बात ना किया जाए। टोटल अभी तक कितने 30-40 के करीब होंगे, जिसमें तब 5-8 मिले, 7 फैमिली जो थी वहाँ आज गई थी, 7 फैमिली। देखो उससे पहले भी एक महीना पहले वहाँ पे कुछ पंडित फैमिली गई है, उस वक्त कोई हंगामा नहीं हुआ है, और उसमें अभी अगर आप प्रोब करोगे या फिर अपनी जो आपके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसके थ्रू अगर प्रोब करोगे तो आपको 90% जो भी वहाँ पे हैं वो अलीगल तरीके से बैठे हैं, उनको वो वहाँ बैठे हैं, कोई हल्ला हल्ला नहीं हुआ। हम भी नहीं बोल रहे कि उनको निकालो, नहीं, जो हमारे सरदार भाई हैं उनको भी एडजस्ट करो, हम नहीं बोल रहे कि पंडितों को निकाल के बाहर रखो। अलॉटमेंट जो हुई है वो तो आपके नाम है, मतलब वो आपके नाम नहीं, नहीं। इस वक्त क्या हुआ, जो परसों का वाका हुआ, आज से कुछ समय पहले एक महीना पहले एक बिल्डिंग बनी, अभी वो इनकम्प्लीट ही थी, तो जो हमारे पंडित भाई है उसमें घुस गए इलीगली, कोई अलॉटमेंट नहीं हुई, वो उसमें घुस गए, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई नहीं, कोई। ये दूसरी बिल्डिंग बनी, इसमें जब इन्होंने सुना कि वहाँ वो घुस गए तो हम किराए पे या कहीं बैठे हुए हैं, ये वहाँ हमारे सिख भाई वहाँ घुस गए, पंडित भाई भी घुस गए, सिख भाई नहीं घुस गए, पंडित भाई भी घुस गए, वो भी दूसरे साइड से घुस गए, तो जो एक साइड था फ्रंट वाला, तो उस साइड के लिए जो वहाँ के लोकल थे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, इवन पुलिस बुलाई, ये किया वो किया, हंगामा बहुत है, इवन पुलिस ने सारा लीगली हो रहा है, मैसा बहुत बड़ी मैसा है, सारा लीगली हो रहा है, सारा लीगली हो रहा है। और दूसरी बात, वहाँ पे लेडीज के साथ भी मैनहैंडलिंग करी गई, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको लेडीज पुलिस होनी चाहिए थी उस वक्त, बट उनके साथ उस वक्त लेडी पुलिस नहीं थी। ठीक रहा डिस्ट्रिक्ट, ठीक रहा अभी तक, तो ठीक रहा, जैसे हमने उनको बोला उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन अब अप्रोच की बात है, हम चाहते हैं होते बात है अप्रोच की, किसकी कैसी अप्रोच है। आपने दो बातें कही, एक तो नहीं हमारे पास भी नहीं, हमारे सरदार भाइयों के पास भी नहीं है, जो वहाँ पे गए थे उनके पास भी नहीं है, किसी के पास अलॉटमेंट नहीं है, जिस तरीके से बाकी गए थे वहाँ पे 90% ये भी वैसे ही गए, इन्होंने भी वही अडॉप्ट करा रास्ता, इन्होंने अगर देखा जाए जिस तरीके से, अगर पहले वाले गलत है तो फिर ये गलत है, अगर पहले वाले सही है फिर ये भी सही है। अब अभी डिसाइड करो कि कमजोर कौन है वहाँ पे, हम नहीं चाहते कि हमारे सरदार भाइयों के साथ स्टेप मदर ट्रीटमेंट हो, उनके साथ भी जस्टिस हो, पंडित भाइयों के साथ भी जस्टिस हो, उनको भी दो, अगर 16 फ्लैट है 7 भाई हैं बाकी 9 वो रखे, हमें कोई इश्यू नहीं, अगर 90% हुआ है, 97% हुआ है, 99%, 1% तो सरदार को एडजस्ट करूँ। हाँ वहाँ पे देखो जो इलीगल होती है तो उसमें समझ सकते हो फिर क्या होता है, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, वो आप लोगों का काम है, आपने जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है वो वहाँ पे लगाओ, यू विल कम टू नो व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग ओवर देयर। इसमें आप एनएसएस की बात यह है, अगर 2010 में एक एम्प्लॉय वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो पेपरा में पैकेज था वो आ गया वहाँ पे, उसको क्वार्टर नहीं मिला, 2016 वाले को मिला, इसमें तो आप खुद जानते हो कि कैसे मिला, क्या ये तो कोई भी जान सकता है उसको कैसे मिला, 10 वाले को मिला नहीं, उसकी भी रजिस्ट्रेशन है हेल्थ मिनिस्टर के पास, तो 2016 वाले को 14 वाले को मिल गया, 10 वाले को नहीं मिला, 12 वाले को नहीं मिला, इसमें तो हर कोई आदमी ये समझ सकता है कि कैसे हुआ। और वो रह रहे हैं कि इस वक्त कहाँ रह रहे हैं, कौन वाले भाई, कोई गुरुद्वारे में रह रहा है, कोई किराए पे रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई किसी रिश्तेदार के घर में, कोई गुरुद्वारे में रह रहा है, ऐसे परेशानी उनकी, वो बेचारे भी परेशान है। और दूसरी बात, जो भाई से स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इस मसले को सुलझाने के मूड में नहीं है, वो इसमें घी का काम कर रहे हैं, वो एक जो क्रिमिनल हार्मोनी है, जो हमारा ब्रदरहुड है, चाहे यहाँ पे मुस्लिम है सिख है, जो ब्रदरहुड है, कुछ स्टेटमेंट्स आई आप डेली एक्सेलसर को देख लो, वो इसको फर्दर इसको भड़का रहे हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं आप भड़काओ मत, एक ब्रदरहुड है उसको बढ़ाओ, ना कि इसको फसा डालो, इसमें ऐसे मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उसको उनकी उन स्टेटमेंट्स को भी कंडम करते हैं, और जो वो फेसबुक पे अपने वल्गर वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम उनको भी निखेधी करते हैं, यहाँ से कंडम करते हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं, वो एक मैच्योर स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे, वो सिर्फ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे ये जो पंगे हैं उसको फर्दर अनलर्ट किया जाए, वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हो, जो भी उनकी सभाएं हैं या समाज है या फिर कॉन्फ्रेंस है उनकी, वो गलत स्टेटमेंट देने दे शुड कम सबके 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 साथ मिलके ही ये बात हुई, क्योंकि चाहे कोई भी यहाँ से जो माइग्रेंट हुआ वो हमारा ही है, जे एंड के का है हमारा ही है,
किसी के साथ जो भी है, किसी के साथ अनजस्टिस ना हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। अगर सिख लोग यहाँ रहते हैं या मुसलमान भाई हमारे रहते हैं या पंडित भाई रहते हैं, जब उनके साथ बराबर अच्छा सलूक हो रहा है तो हमारे अगर ये 5-7 फैमिली इनके साथ क्यों अनजस्टिस हो, इनको भी क्वार्टर मिले। हम तो यहीं रहते हैं, हमें तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हम तो आज 30 साल से यहाँ अगर कुछ राइट्स वगैरह चल रहे हैं तो हम यही रहते हैं, हमको कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो लेकिन अगर ये वहाँ से आए हैं तो दोनों फिर के एक ही हैं, वो भी माइग्रेंट है ये भी माइग्रेंट है, इनको आपस में है, लेकिन अनजस्टिस इनके साथ किया जा रहा है। इसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं कि ऐसा ना किया जाए। जहाँ गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि ऐसा ना किया जाए, हम नहीं करना है, तो गवर्नर नहीं करना है। अगर आवाम ने करना होता तो हम 4 आदमी जाके वहाँ बरादरी करते, बोलते आप मत रहो आप रहो, लेकिन ये करना गवर्नमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट ने ही इनको मैंडेट करना है। तो अभी हम नेगोशिएशन पर आ गए हैं, लेकिन रह जाए तो वो अच्छा ही रहता है। तो मगर वो सुलझाने के मूड में नहीं है, वो तो उसको कुछ और रंगत देने के चक्कर में है। और वो वहाँ पे एक दो बंदे हैं जो माजते नाम नहीं उनके मुझे याद आ रहे, तो वो वहाँ पे वो कुछ और ही गड़बड़ी है। चलो जो भी है, लेकिन करना पुलिस मिशन में है, करना गवर्नमेंट।